नाग पंचमी का महत्व तो वैसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे ही देश में नहीं पूरे विश्व में ही नागों की पूजा की जाती है, और ये तो हमारा भारतवर्ष जो है पूरा धार्मिक है। नागों का इस समय में बड़ा ही महत्व है, और सभी देवताओं को अलग अलग तिथियां दी गई है, इसमें पंचमी तिथि जो है नागों को दी गई है, और नाग पंचमी इसमें विशेष होती है क्योंकि इस समय में शिव जी के द्वारा सभी नाग धरती पर विचरण करते हैं, और उसी के लिए इस तिथि पर विशेष तौर पर पूजा की जाती है। ये मनुष्य की स्वयं कुंडलिनी का कारक भी है, राहु केतु का कारक भी है, और पितरों का कारक भी नाग है। बिना नाग के जीवन बिल्कुल अधूरा है। नाग साधना से नारायण गति प्राप्त होती है, जो कि आदमी मोक्ष को जाता है, तथा नाग पूजन से पितरों की शांति होती है, और घर के अंदर सुख समृद्धि वैभव धन लक्ष्मी सारी संपदाएं नाग के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। अगर आप चाहें तो कहीं भी कोई अच्छा नाग का जो दरबार है या नाग मंदिर है वहां जाके आप पूजन कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो सिर्फ शिवजी के मंदिर में जाएं और कच्चा दूध और श्रीफल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं श्रद्धा से, और श्रद्धा से आप जो भी अर्पण करेंगे उसको नाग ग्रहण करेंगे और आपके पापों का क्षय करेंगे। हाँ, नागों की पूजा को पितृदोष के इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हमारे शास्त्रों में कई जगह लिखा गया है कि व्यक्ति परम धाम पहुँचने के बाद में नागलोक में जाता है, तो इसलिए उसको पितरों से जोड़ा जाता है।